गाइज, अगर आप अपने चैनल को अभी भी स्टार्ट किए हुए, अगर आप एक न्यू क्रिएटर है, अगर आपका चैनल 10 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना है, तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला कि अपने वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स CC कैसे लगाए, वो भी फ्री में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कई सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे तो उनमें आपको सिर्फ जो बताया गया है कि पहले 20 मिनट या 10 मिनट आपको फ्री दिए जाते हैं सब टाइटल्स के लिए, उसके बाद आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर आप अपने YouTube वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स लगा सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में बताने वाला कि फ्री में लाइफ टाइम के लिए अपने वीडियोस के अंदर आप सब टाइटल्स कौन से भी लैंग्वेज में, आप जो चाहे लैंग्वेज में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूँ प्रानेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रानेश कायल। तो गाइज, आप सभी को पता है कि SEO में टाइटल्स, टैग्स, कीवर्ड्स, थंबनेल अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए, कीवर्ड्स रिसर्च आपको आना चाहिए, तभी जाकर आपका वीडियोस वायरल हो सकता है, यानी कि ट्रेंडिंग में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, उसके बावजूद यूट्यूब ने कई सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं कि SEO में कई सारे ऑप्शंस है, यानी कि SEO में कई सारी कैटेगरीज है, उनमें एक कैटेगरी आता है सब टाइटल्स का। अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर सब टाइटल्स लगाते हैं तो आपके वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, और रीच बढ़ने के कारण इंप्रेशन बढ़ते हैं, इंप्रेशन के थ्रू आपको व्यूज़ आते हैं, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा मिलता है, और अपना चैनल ग्रोथ होने के लिए बहुत ही फायदेशीर होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होता है कि अगर आपने कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, उन्हें बताया जा रहा है कि सिर्फ 20 मिनट तक आप अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स लगा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि सब टाइटल्स क्या है, अभी मेरे यूट्यूब वीडियोस के अंदर यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैं कुछ बोलता हूँ वो आपको हिंदी में कन्वर्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यानी कि मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, अफगानिस्तानी की, पाकिस्तानी या कौन सी भी लैंग्वेज में आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर सब टाइटल्स लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हैं, वो भी फ्री में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन सी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको फ्री में सब टाइटल्स लगाने को मिल रहे। तो फ्रेंड, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी। सो जब आपको ओपन करोगे वेबसाइट, तो आपको इसी प्रकार का जो इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सिंपली आपको गेट स्टार्टेड फ्री प्ले क्लिक करना है। ओके, गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद आपका कोई भी जीमेल जो होता है आपका, वो आपको उधर डाल देना है। और डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं अपना जो जीमेल आपको डालकर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, आप समझ लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप जब करोगे तो यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रोफाइल का जो अकाउंट का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन, सब टाइटल्स, वॉइस ओवर, ऐसे जो 3 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको हम क्या करना है कि हमें सब टाइटल्स देना है। ओके, सब टाइटल्स देने के लिए हमको क्या करना है कि हमें डायरेक्टली सब टाइटल्स पर क्लिक करना है। सब टाइटल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको सिंपली अपलोड योर फाइल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पे माय डिवाइस, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैंने जो मेरा वीडियो शूट किया था इसको मैं अभी यहाँ से अपलोड करता हूँ। तो अपलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नीचे आपको सिलेक्ट ऑडियो लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं उन्होंने। यहाँ पे देखिए आपको कौन सी भी लैंग्वेज, यहाँ पे मैं करता हूँ मेरे की जो हिंदी लैंग्वेज है। ओके, यानी कि मेरा जो यहाँ पे इधर दिख रहा है वो हिंदी लैंग्वेज में मेरे को दिखना चाहिए, तो वैसा मैं इधर अभी हिंदी लैंग्वेज इंडिया का सिलेक्ट करता हूँ। हिंदी लैंग्वेज है वो जो इंडिया का सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे ट्रांसलेट कैप्शन टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि आप अनदर लैंग्वेज भी आपका जो कैप्शन है वो वीडियो है अब ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं अभी इंग्लिश चूज करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में मेरा दोनों का हुई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको आना है। तो गाइज, नीचे आपको आना है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको लैंग्वेज उन्होंने दे रखे है, उसको आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के लिए अपन यहाँ पे देखिए, सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम लेने के लिए आपको बहुत 5 मिनट तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको आपके वेट करना पड़ेगा। उसके बावजूद जाकर ही आप जो है इसका फुल फिनिश करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। गाइज, यहाँ पे देखिए मेरी जो प्रोसेस यहाँ पे हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो प्लेबैक पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपका वीडियो हो उधर आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरी जो सभी जो मैंने हिंदी में जो बोला था वो सब अभी इंग्लिश में जो यानी कि बोला था वो अभी हिंदी में ट्रांसलेट होकर आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये याद रखना कि हमने कितने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी, आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंग्लिश भी आ रहा है, इधर आपको ट्रांसलेशन में आपको हिंदी और इंग्लिश है, दो लैंग्वेज से
यहाँ पे आपको दे रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं इसको अभी प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्ले करने के लिए यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ तो अभी वो हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ही कमाल का वेबसाइट है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे कुछ ट्रिक्स है उसमें कि हम कैसे लाइफ टाइम फ्री पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको आपको पॉज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स है ना कमाल की ये वेबसाइट। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको ऊपर ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे एम्बेडेड, शेयर और एक्सपोर्ट का, तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको उन्होंने दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको हिंदी और दो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किए थे, इसका आपको अलग अलग वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको SRT फाइल जो सब RIP रिप है वो आपको फाइल से यहाँ पे आपको रेडी करनी पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हो। उसके बाद मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ, पहली जो लैंग्वेज सिलेक्ट की थी उस पर क्लिक करना है। दूसरी बात आपको इंग्लिश पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए वो जिप फाइल में आपका जो फोल्डर वो डाउनलोड होके आएगा। इसको आपको मैं यहाँ पे मेरे जो डाउनलोड किया था उसी पर जाता हूँ। उसके बाद मैं इसका मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको मैं अभी यहाँ से कट करता हूँ और जो मेरा वीडियो का यानी कि मेरा जो फोल्डर है मेरे खुद का यानी कि मैंने बनाया है इसे फोल्डर में यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैं पेस्ट करता हूँ यानी कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके इसके बाद आपको क्या करना है, 7GB फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। आपको पता होगा कि कैसे हम 7GB फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो प्लेबैक जाने के बाद ओरिजिनल मतलब हिंदी और इंग्लिश जो हमने कन्वर्ट किया था इसमें हमारे दो फाइल्स आ चुकी है। तो आगे हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें मैंने YouTube पर मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप पहले आपको प्रोसेस क्या करने की, आप जो भी वीडियो पे सबटाइटल लगाना चाहते हैं इसको आपको अपलोड कर देना है। यानी कि अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए पहला जो मेन वीडियो आपको अपलोड कर देना है। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है सबटाइटल्स पे। सबटाइटल्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है आपकी, यानी कि मैनुअल लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो थोड़ा सा वो हैंग हो चुका है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंग्लिश सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। ओके आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो फ्रेंड्स अभी आप कन्फर्म करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐड लैंग्वेजेस, तो आपको ऐड लैंग्वेजेस करने, आप जो चाहे कितने चाहे लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं अभी पहली लैंग्वेज ऐड करता हूँ हिंदी वाले जो मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया था, यानी कि मेरे सब टाइटल्स पर इधर हिंदी दिखना चाहिए इसलिए मैं अभी हिंदी करता हूँ। ओके यहाँ पे मैं जब मैं ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में के नीचे आपको ऐड दिखाई दे रहा है। ओके तो ऐड का मतलब क्या है कि हमें जो हमने टाइटल इंग्लिश में डाला है आपको हिंदी में कन्वर्ट कर उधर डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा टाइटल है उसको आपको डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो मेरा टाइटल्स मैंने डाल रखा है, आपको ऐसे टाइटल डाल रखने यानी कि पहले से टाइटल डाल रखने हैं। रखने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी आपको कॉपी करके नोट पैड पे आप लिख सकते हैं उसको आपके। उसके बाद आपको गूगल ट्रांसलेट पे जाना है और यहाँ पे देखिए आपको गूगल ट्रांसलेट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहले जो ऑप्शन आता है गूगल ट्रांसलेट पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जो हमने कॉपी किया था इसको हमें अभी इधर में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इधर आपको हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कि हिंदी यहाँ पे कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट लगेगा। तो फ्रेंड्स इंग्लिश हो चुके, सॉरी। तो गाइज यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और हिंदी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे मुझे हिंदी मिल चुकी है, इधर मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स हिंदी में कन्वर्ट होने जाने के बाद ये जो हिंदी में है आपको उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से जाना है कहाँ, सबटाइटल्स पे। सबटाइटल्स पे जाने के बाद आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है, सबटाइटल्स पे जाने के बाद आपको फिर से आप क्या कर सकते हैं, पहले से कॉपी करके सब ट्रांसलेट करके रखो। उसके बाद आपको ऐड लैंग्वेज करना है, फिर से हिंदी लैंग्वेज करना है। मैंने प्रोसेस पहली की थी, अभी मैं लास्ट में कर रहा हूँ। अभी ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करना है। टाइटल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको जो टाइटल्स हमने ट्रांसलेट किया था उसी पर हमको डालना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन भी जो कोई भी हो, मैंने यहाँ पे दो लाइन्स भी डिस्क्रिप्शन डाले, वन लाइन्स, इधर आपको पब्लिश कर देना है। ओके जब मैं पब्लिश करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको एक अपलोड वीडियो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा।
ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए हो गया। अभी सब टाइटल्स हमें डालने हैं, हिंदी के सब टाइटल्स जो हमने जिप फाइल में एक्सट्रैक्ट किए थे उसको आपको यहाँ पे अपलोड फाइल के थ्रू विथ टाइमिंग आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। ओके, कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको वीडियो प्लेयर पे ओरिजिनल फाइल, मतलब हमारी हिंदी थी जो आपकी कौन सी भी ओरिजिनल लैंग्वेज हो सकती है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ पे हमको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर देने के बाद ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो दूसरी लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, इंग्लिश वाली लैंग्वेज थी, तो हमें क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज पे जाना है और इधर सब सेटल हम ऑलरेडी टाइटल्स उसके इंग्लिश में ही दे रखे। ओके, अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है तो आप उससे ऐड लैंग्वेज में कौन सी भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सब टाइटल्स पर क्लिक किया, विथ टाइमिंग किया, कंटिन्यू किया, यानी कि इंग्लिश का जो हमें फाइल था SRT का, वो हमें इधर इंग्लिश में सब टाइटल्स में ऐड करना है और उसके बाद हमें पब्लिश कर देना है। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे है असल में, रियल में। यहाँ पे देखिए पब्लिश तो हो चुके हैं। उसके बाद हम जाएंगे डिटेल्स में। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये अभी मैं प्ले करता हूँ इधर, तो प्ले करते वक्त क्या होगा कि इधर आपको कुछ नहीं दिखाई रहेगा क्योंकि आपको वीडियो पब्लिश करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा एक ट्रिक्स है कि आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे हम इसे, यानी कि कैसे दिखता है, यानी कि होता है या रियल में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये क्या ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए योर वीडियो है, ऊपर ये दिख रहा है ना आपको योर वीडियो। सबटाइटल्स में हम जाएंगे, उसके बाद अभी क्या करना है, पब्लिश हो चुका है, क्रिएटर भी हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा है, ओके योर वीडियो, ओके ऊपर इस पर आपको व्यू ऑन यूट्यूब पर क्लिक करना है। व्यू ऑन यूट्यूब पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं करता हूँ इधर का, मैं यहाँ पे देखे मैं इसका वैल्यू में जो अभी, यानी कि इसको पॉज करता हूँ, वैल्यू में इसका मैं अभी बंद करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक सीसे ऑप्शन दिख रहा होगा सब टाइटल्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो इंग्लिश में आ चुका है, जो सीसी ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश में आ चुका है। अगर आप सीसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश आ चुका है, यानी कि सब टाइटल्स मेरा इंग्लिश में आने लगा है। ओके, दूसरी जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे बाद सब टाइटल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने दो लैंग्वेज ऐड किए थे, हिंदी, अगर आप हिंदी पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए हिंदी को मेरा जो सब टाइटल्स आ चुका है, यानी कि ये ट्रिक्स काम कर गई। अगर आप अपने वीडियोस की करना चाहते हो तो आपको सब टाइटल ट्रांसलेटर इस वेबसाइट को जाना है और इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड आपको वही फाइल करने जैसे हमें SRT फाइल आपको अपलोड की थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है कि आप किस लैंग्वेज पर उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आप सिंपली इसको बंगाली पे या कोई भी, या आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो यहाँ पे मैं बंगाली की करता हूँ। बंगाली की करने के बाद आपको उसको ट्रांसलेट कर देना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। ओके, तो फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर देने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन मिलता है। आपको सेव पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो लोड हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका जो फाइल है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो आगे की प्रोसेस मैंने बताई थी यूट्यूब पर आपको अपलोड करते वक्त आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज अगर बात रहते कि हमें किसको इसको लाइफ टाइम तक यूज़ करना है तो सिंपली आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अपने टेम्प्ररी मेल ऐसा आपको टाइप करना है। टेम्प्ररी मेल आपको टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको हर न्यू टेम्प्ररी मेल आपको आपके फेस यानी कि स्क्रीन पर लाता रहता है, देता रहता है आपको। उसके बाद आपको वहीं से आपको कोई भी टेम्प्ररी मेल आपको उसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखे जो मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ, वैसे वेबसाइट का नाम है मेस्ट्रा सूट, उस पर वेबसाइट पर आपको यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले जो लिंक आता है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको गेट फ्री स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अकाउंट्स पे जाता हो तो यहाँ पे देखिए मेरे 20 मिनट्स यहाँ पे मेरे जो रह चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भर के आपको परचेस करना पड़ेगा। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए जो मैंने उसको मेल यहाँ पे डाला था, इसको यहाँ पे देखिए आपको पेस्ट करना है और पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी डाल देना है। तो फ्रेंड्स ऐसा हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट डोंट हैव, यहाँ पे आपको डोंट हैव अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेव कर देना है और यहाँ पे देखिए इस पर आपको रजिस्टर करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। और इसी प्रकार से हम अपने जो YouTube यानी कि आप YouTube वीडियोस के अंदर यहाँ पे उस वेबसाइट का यूज़ करके लाइफ टाइम के लिए हम सबटाइटल्स डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।